आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंटीजर्स को सीखते हैं, इंटीजर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीजर्स होते क्या है और इंटीजर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपके सामने हैं तो कैसे आप उसे कम समय में और कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप आज सीखेंगे कि इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए जल्दी से जल्द हम इंटीजर्स के चैप्टर को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हो सबसे ऊपर लिखा है इंटीजर्स। इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। इंटीजर्स की जो हिंदी होती है पूर्णांक होता है। अब उसके बाद आपको दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर, इंटीजर का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या होता है। तो लिखा है द नंबर द बिलोंग टू द सेट 0, 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज और -1, -2, -3, -4, -5, -6... आर सेट टू बी इंटीजर्स। आप सभी देख रहे हो कि लिखा है 0, 1, 2, 3, 4 के बाद ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको। ये डॉट डॉट का क्या प्रेजेंट कर रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका जो संख्या है ये आगे तक है, यानी इसका कहीं अंत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी आपको दिख रहा है कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 के बाद भी डॉट डॉट लगा है, यानी ये संख्या आगे तक चलती चली जाती है, इसका भी अंत नहीं होता है। ऐसी संख्या जो ऐसे सेट्स आपके सामने आते हैं उन्हीं को हम इंटीजर कहते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर। नंबर में सबसे पहले आपको दिख रहा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यानी अनंत तक, इसका होल नंबर। सेकेंड है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या, जो 1 से स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन कोई भी आपसे अगर पूछ दे कि होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर, तो नंबर स्टार्ट 0, 1, 2, 0 स्टार्ट 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड होल नंबर। और पूछे नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे द नंबर स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है यहाँ पे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो कहोगे यस एवरी नेचुरल नंबर और ए होल नंबर, कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और पूछ लिया जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो कहोगे नो, क्योंकि एवरी होल नंबर प्रत्येक जो पूर्ण संख्या होती है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है जीरो, क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। हम आते हैं अपने चैप्टर पे, टाइप्स ऑफ इंटीजर। टाइप्स ऑफ इंटीजर पे हम लोग सबसे पहले आते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर में टू टाइप्स ऑफ इंटीजर होते हैं। जब सबसे पहला जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहला जो है वो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की हिंदी होती है धनात्मक संख्याएं। जैसे द नंबर 1, 2, 3, 4 आप देखो यहां पे डॉट डॉट लगा है, ये डॉट डॉट आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, यानी जिस नंबर के पहले कोई भी नंबर लिखा हो अगर उस नंबर से पहले प्लस का सिंबल आपको दिखे तो वो सारी संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स में होती हैं। देखिए जो आपको दूसरा मिलेगा वहां पे है निगेटिव इंटीजर। क्या है आपका निगेटिव इंटीजर, लिखा है द नंबर -1, -2, -3, -4, -5 आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। आप समझ गए होंगे कि निगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जिस संख्या से पहले आपको माइनस लिखा हुआ मिले, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 यानी ये डॉट डॉट आपको आगे तक जाना है, यानी अनंत तक ये संख्याएं होती हैं, आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब एक आप नोट में देख लें कि जीरो इज कॉल्ड द जीरो इंटीजर। जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर, इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको एक विशेष नोट करके लिख के दिया गया, क्योंकि जो जीरो संख्या होती है, जो जीरोस है वो न पॉजिटिव में जाता है और ना ही निगेटिव इंटीजर में आता है, इसलिए यहां पे हमने लिख दिया जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर। तो इसलिए जीरो को जो है हम जीरो इंटीजर में ही रखते हैं। चलिए
अब हम लोग सीखते हैं इंटीजर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इंटीजर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल इसके बिटवीन, यानी बीच में हमारा जीरो होता है। जब आप बीच में आ जाते हो तो आपके टू साइड्स हो जाते हैं। जब भी आप बीच में आओगे तो आपके टू साइड्स होंगे। सबसे पहला हो जाता है आपका आर एच एस और दूसरा हो जाएगा एल एच एस, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जब आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो राइट हैंड साइड में जो भी संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो वो सारा निगेटिव इंटीजर में आ। जैसे आपको हम लिख रहे हैं, देखो जैसे कि वन ये है, टू ये, थ्री फोर फाइव सिक्स यहां तक। अब देखो आप जीरो से जब लेफ्ट हैंड साइड में हम आते हैं तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि जीरो नंबर जिसमें राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर होता है। तो जीरो से आप जब राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, यानी आपकी संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो आपकी जो संख्या है वो घटती हुई जाएगी। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन हम पूछे कि जीरो और माइनस वन इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, जब से आप मैंने आपसे पूछा कि जीरो और वन इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप देख सकते हो कि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस वन है, इसलिए जो है जीरो बड़ा होगा और माइनस वन आपका छोटा होता है। फिर आइए दूसरी संख्या को हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं। जैसे एक साइड मैंने लिखा माइनस फोर और दूसरी साइड लिखा है माइनस सेवन। अब आप देख सकते हो कि दोनों के साथ तो माइनस जुड़ा हुआ है, दोनों के साथ आपका माइनस जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछा कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप देख सकते हो अपने नंबर लाइन पे कि जो फोर है, फोर से लेफ्ट हैंड साइड में, फोर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका सेवन आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेवन जितना आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे उतना ही संख्या आपकी छोटी होती चली जाती है। तो आप देखो जब माइनस फोर है और ये क्या है माइनस सेवन, यानी माइनस फोर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस सेवन आएगा, इसलिए यहां पे आपका फोर क्या होगा बड़ा होगा और माइनस सेवन आपका छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लो, अगर वो निगेटिव इंटीजर में है, अगर वो निगेटिव इंटीजर में है तो जो संख्या निगेटिव इंटीजर में छोटी होती है वही संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। एग्जांपल जैसे बड़ी संख्या पे हम लोग लेते हैं 412 माइनस 342। अब आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसमें आप देख सकते हो दोनों नंबर के पहले माइनस निगेटिव इंटीजर लगा है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो आप देखो यहाँ फोर लिखा है और यहाँ पे आपका थ्री लिखा हुआ है, तो ये थ्री तो सबसे छोटा है फोर से, तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़े, क्योंकि 342 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका 412 आता है। दूसरा चीज आप, एक और चीज आप देख लो कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी निगेटिव संख्या लिखी हो और उसके सामने एक छोटी सी संख्या बस पॉजिटिव इंटीजर लिख दी जाए तो क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हो कि जो बड़ी संख्या इससे राइट हैंड साइड में आपका वन आता है, इसलिए हमेशा क्या होगा वन आपका बड़ा हो जाएगा, यानी हमेशा निगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है। अगर एक शॉर्ट में आप देखना चाहो तो अगर हम देखें निगेटिव डॉट और इधर लिखें पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव वाली संख्या आपकी क्या होती है बड़ी होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने आपको दो चीजें सिखा दिया है। पहली सा क्या कि अगर आपको कह दिया, एग्जाम्पल के रूप में समझ लो आपकी माइनस फाइव को नंबर लाइन पे कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, माइनस फाइव को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप नंबर लाइन बनाया, बीच में जीरो को लिखो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, यहां पे आप एरो का सिंबल लगा दिया, वन टू थ्री आपसे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है माइनस फाइव, आप यहां जीरो से चलो और सीधे माइनस फाइव तक चले आओ, आपका रिप्रेजेंट हो गया माइनस फाइव आपका यहीं पे है। ये तो प्रेजेंट करने के लिए आया है। अब आपसे पूछता कहीं स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि बताओ माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व में कौन सी संख्या बड़ी है, आप जानते हो कि ये छोटा नंबर है यही आपका बड़ा हो जाएगा।
अगर इसके साथ 1, 1, 2 माइनस और इसके बाद 4 दे दिया, तो मैंने आपको यहां बताया कि हमेशा निगेटिव इंटीजर क्या होता है, छोटा होता है, और पॉजिटिव आपका बड़ा होता है। तो ये पॉजिटिव वाला आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आपको ले चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे हम आपको लेके चलते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है, कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपसे किसी भी संख्या का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है, तो कोई भी संख्या हो, लेकिन आपको उसे हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके सामने है पी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है, जो संख्या से पहले और संख्या के बाद दो खड़ी पाई के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछेगा तो पी होगा, क्योंकि अंदर भी पॉजिटिव था तो ऊपर भी ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और अगर आपकी दूसरी संख्या माइनस पी है, अगर ये संख्या निगेटिव के साथ अगर आ जाए, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल पी हो जाएगा। यानी अगर निगेटिव है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल दिया है, तो ये भी क्या होगा, वही होगा, पी में ही आएगा पॉजिटिव। माइनस में दिया है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होता है। अब एक हम संख्या के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे पूछा हमसे -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, हम आंसर लिखेंगे -5। -1/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 1/2। अब यहां पे आपका पूछ दे 3/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो 3/2। ये बहुत इजी है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना किसी भी संख्या का। अब मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर भी मैंने आपको समझा दिया और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप अब तक इंटीजर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, और नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा बिगेस्ट है, ये सारा मैंने आपको बहुत ही कम समय में सिखा दिया। अब आपसे अपने बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर